हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंजना और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यूज ऑफ हैज हैव हैड। फ्रेंड्स, ये इतना अच्छा टॉपिक है, अगर आप इसे अच्छे से पूरा वीडियो वॉच कर लेते हैं तो आप डेली यूज के बहुत सारे सेंटेंसेस अच्छे से फॉर्म करना सीख जाएंगे और स्पीक आउट करना भी सीख जाएंगे। हैज हैव हैड के ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनमें मेन वर्ब का यूज नहीं होता है। इन सेंटेंसेस की पहचान होती है कि इन सेंटेंसेस में बीच में आपको पास मिल सकता है, रखता है या रखता था मिल सकता है, और ये सेंटेंस अधिकार प्रकट करते हैं। इनसे ये पता चलता है कि आपकी कोई चीज है, आपके पास है, आपकी थी, ये इनमें प्रकट होता है। अब देखते हैं, जैसे लिखा है, मेरे पास एक स्मार्टफोन है, उसके चार भाई बहन हैं, तुम चार कारें रखते हो या मेरे तुम चार कारें रखते थे, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत समय था। तो देखा आपने, इन सारे सेंटेंसेस में हमें ये पता लग रहा है कि उसकी कोई चीज थी या है, उसके अधिकार में है। तो इन जिन सेंटेंसेस से ऐसी बातें प्रकट होती हैं, पास, रखता है या अधिकार, तो वो उनमें यूज ऑफ हैज हैव या हैड का होता है। नेक्स्ट बात हम समझते हैं कि अगर पास प्रेजेंट में सेंटेंस है, अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है, मतलब अभी की बात हो रही है कि उसके पास है, तो हम हैज या हैव का यूज करेंगे, और था की बात हो रही है, था थे आता है, तो हम हैड का यूज करेंगे। आप कंफ्यूज ना हो, मैंने हैज हैव प्रेजेंट और पास्ट का रूल जो है वो साथ में मिक्स कर दिया है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे। हैज हैव का यूज होगा, हैज या हैव का यूज होगा आपके प्रेजेंट के लिए, और पास्ट की कोई बात होगी पहले की तो हैड का यूज होगा। आप याद रखें, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ था और इनमें आएगा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये याद रखेंगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, तो जैसे ही है, शी है, इट है, या किसी का नेम है या सिंगुलर नाउन हो, तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट में हैज। प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, बहुवचन करता है, आई है, वी है, यू है, दे है, या प्लूरल नाउन है, तो आप यूज करेंगे हैव प्रेजेंट के लिए। अब पास्ट में अगर वाक्य में था दिया गया हो या थे दिया गया हो, तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों में ही हैड का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का, ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव में है, सकारात्मक वाक्य है, तो इनमें रूल ये यूज होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश आएगी, उसके बाद आप देखेंगे कि प्रेजेंट का सेंटेंस है या पास्ट का, उसके अकॉर्डिंग आप हैज या हैव, प्रेजेंट के लिए हैज या हैव, और पास्ट के लिए जो काम पहले थी कोई चीज, तो उसके लिए हैड का यूज होगा, और नेक्स्ट फिर ऑब्जेक्ट यूज हो जाएगा। देखिए कैसे बनाएंगे ये सेंटेंस, जैसे लिखा है मेरे पास एक स्मार्टफोन है, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है वो हम देखेंगे, सब्जेक्ट है इसमें मेरे। एक और बात याद रखेंगे, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, मेरा मेरे की इंग्लिश होती है माई, लेकिन वो तब यूज होती है जब मेरा के साथ में कोई ऑब्जेक्ट हो, कि मेरी किताब, मेरा घर, तब हम यूज करते हैं। सिंगल मेरे यूज हुआ है, यानी कि आई यूज होगा, इसको याद रखें, मेरे जब सिंगल रूप में आया है तो इसकी इंग्लिश आई होगी। अब इसके बाद हम देखेंगे है दिया गया है, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, तो हम यहाँ हैज या हैव में से एक हमको वर्ब रखनी है। अब हम आई के साथ क्या रख सकते हैं, यहाँ बताया गया था आई के साथ हैव आता है, तो हमने हैव का यूज कर दिया। नेक्स्ट लिखा है एक स्मार्टफोन, मेरे पास क्या है, एक स्मार्टफोन, तो एक स्मार्टफोन के लिए आ जाएगा आ स्मार्टफोन, बन गया सेंटेंस। अब नेक्स्ट, आप इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस, आपके पास क्या है, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक बॉटल है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप फॉर्म करें और उन्हें बनाएं। अगर आपको ये सब इम्पोर्टेंट लग रहे हैं तो आप नोट कर लें, एक एनवी बना लें, उनमें नोट कर लें, या आप वीडियो को बार बार वॉच करके भी माइंड में अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, उसके चार भाई बहन हैं, उसके के लिए यूज होगा ही, और देखिए ही होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ यूज होगा हैज का, एस ए एस। चार भाई बहन, चार के लिए फोर आ जाएगा, और भाई बहन को कहते हैं सिबलिंग्स,
SIBLINGS। याद रखें, जैसे माता पिता को पेरेंट्स बोला जाता है, वैसे ही भाई बहन के लिए सिबलिंग्स का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तुम चार कारें रखते थे। ध्यान देंगे अब हम, यहाँ रखते थे यूज हो रहा है, पहले रखते थे तो हम हैड का यूज करेंगे, पास्ट में हैड का यूज होता है। तुम के लिए यू आ जाएगा, और यू है प्लूरल है, लेकिन हम चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेड का ही यूज करेंगे। याद रखेंगे, सिंगुलर प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में हम हेड का ही यूज करते हैं। यू हैड चार कारें, तो फोर कार्स बन गया सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत समय था। पास्ट की बात आ रही है तो कैसे बनाएंगे, मेरे के लिए आई यूज हो जाएगा, पास्ट था तो हैड लगाएंगे। आई हैड बहुत समय, अलॉट ऑफ टाइम तुम्हारे लिए, फॉर यू। तो देखा आपने, बन गए पॉजिटिव सेंटेंस। इसी प्रकार आप बहुत सारे सेंटेंस भी क्रिएट कर सकते हैं अपने घर में। आपके पास कोई जो चीजें हैं, आप सबको स्पीक आउट करें बार बार कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ बॉटल, आई हैव अ लिटिल किड, मेरा एक छोटा बेबी है, तो आप बोलेंगे आई हैव अ लिटिल किड। ऐसे ही आप बच्चों को बता सकते हैं कि अगर उन्हें काउ पे ऐसे लिखना है, डॉग पे ऐसे लिखना है, तो ऐसे ही वो सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि आपने बोला गाय के चार पैर होते हैं, तो आप बोलेंगे द काउ हैज फोर लेग्स। गाय की दो आंखें होती हैं, द काउ हैज टू आईज। तो किसी भी चीज के लिए उसके पास है, उसकी होती है, मेरे चार बेटे हैं, तो इन सेंटेंसेस में आप हैज हैव का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इन्हीं के निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए रूल ये लिखा हुआ है, इसमें अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है आप तो डजंट हैव या डोंट हैव का यूज करेंगे, अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप डिडंट हैव का यूज करेंगे। याद रखें, जैसे कि हमारे प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस बनते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब डजंट का यूज होता है, वही रूल इसमें यूज होता है। आपने कहा मेरे पास एक स्मार्टफोन है, आप बोलेंगे आई हैव अ स्मार्टफोन। आपने कहा मेरे पास एक स्मार्टफोन नहीं है, तो आप डजंट या डोंट का यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे। देखें कैसे बनता है। मेरे की इंग्लिश होती है आई, आपने आई को यूज कर दिया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, डजंट और डोंट। डिंट को तो पास्ट में यूज करते हैं, ये याद रखेंगे, तो डजंट और डोंट को हम यहाँ नोट कर देंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डजंट हैव का यूज होगा, डजंट हैव, और प्लूरल के साथ में डोंट का यूज होगा, डोंट हैव का। अब देखेंगे डिडंट हैव, याद रखें इसका यूज पास्ट के लिए होता है, जब था की बात होगी, इसको याद रखें। मेरे पास एक स्मार्टफोन नहीं है, तो आई के साथ में यूज होगा डोंट हैव, आई डोंट हैव एक स्मार्टफोन, अ स्मार्ट फोन। बन गया सेंटेंस, आपके पास कोई भी चीज नहीं है, आप ऐसे ही बोलेंगे आई डोंट हैव चेयर, आई डोंट हैव फ्लावर। डोंट हैव का यूज करके आप बता सकते हैं कि मेरे पास नहीं है। उसके भाई बहन नहीं हैं, तो उसके के लिए इंग्लिश यूज होगी ही। अब ही कैसा है सब्जेक्ट, सिंगुलर है, तो उसके साथ यूज होगा डजंट हैव, और बात प्रेजेंट की हो रही है तो हम डजंट या डोंट में से यूज करेंगे। ही सिंगुलर है तो डजंट लगाएंगे, doesn't have भाई बहन आ जाएगा, siblings, I doesn't, he doesn't have siblings। तुम कार नहीं रखते थे, रखते थे, तुरंत हम सोचेंगे कि हमें didn't have का यूज करना है, तो तुम के लिए यूज होगा you, और रखते थे के लिए आ जाएगा नहीं रखते थे, यानी कि didn't have। कार नहीं रखते थे, यू डिडंट हैव कार। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं था, तो तुम्हारे की इंग्लिश हो जाएगी यू, पास नहीं था तो डिडंट हैव का यूज होगा, पास्ट में है सेंटेंस, यू डिडंट हैव क्या नहीं था, समय, तो टाइम फॉर मी।
तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं था, यू डिडंट हैव टाइम फॉर मी। तो देखा फ्रेंड आपने कैसे ये सेंटेंस इतने इजीली से बन जाते हैं अगर आप इनको ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से आप ये सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें जिससे कि आपके साथ साथ और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और फ्रेंड्स अगर आपको इन सेंटेंसेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट सेशन में सेंड कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी इसी नाम से है, अंजना एजुकेशनल वीडियोस, आप वहां भी मुझे डीएम कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। आप सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो देखिए अगर आपको किसी से क्वेश्चन करना है कि आपके पास एक अतिरिक्त पेन है, या आपको कुछ भी पूछना है कि आपके पास बैग है, क्या आपके पास किताब है, तो आप कैसे फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे। ये देखिए रूल लिखा हुआ है, अगर आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो डू या डच को आप सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हैव का यूज होगा। तो हमने कहा क्या आपके, तो आपके के लिए यू आता है, और क्या पहले है तो डू या डच को सबसे पहले हम लिखेंगे। अब यू के लिए मैंने भी बताया था आपको कि प्लूरल के लिए डू का यूज होता है, तो हम सबसे पहले डू को लिखेंगे क्योंकि यू प्लूरल है, तो हम बोलेंगे डू यू। फिर सब्जेक्ट आ गया, डू हेल्पिंग वर्ब थी, सब्जेक्ट आ गया यू, फिर अब हैव का यूज करेंगे। डू यू हैव ए अतिरिक्त पेन, यानी कि एन एक्स्ट्रा पेन। डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, क्या आपके पास एक अतिरिक्त पेन है। तो याद रखें आपको किसी से भी क्वेश्चन करना हो कि क्या आपके पास ऐसी चीज है तो आप डू यू हैव बोल के क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। क्या उसके दो घर हैं? अब यहाँ पे देखेंगे हम, हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, उसके के लिए ही का यूज होगा, ही सिंगुलर होता है, तो हम डू का नहीं डस का यूज करेंगे। डस उसके के लिए ही आ जाएगा, और हम हैव का यूज करेंगे। डस ही हैव दो घर, तो टू हाउसेस। डस ही हैव टू हाउसेस। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट में कैसे सेंटेंस बनेंगे। पास्ट में डिड का यूज होगा। क्या राजा दशरथ के चार बेटे थे? अब यहाँ पे यूज होगा डिड का, क्योंकि पहले की बात हो रही है। अब सब्जेक्ट का यूज होगा राजा दशरथ, तो लिखेंगे किंग दशरथ। हैव लिखा है, हैव का यूज हो जाएगा। चार बेटे यानी कि फोर सन्स, क्वेश्चन मार्क यूज होगा। क्या राजा दशरथ के चार बेटे थे? डिड किंग दशरथ हैव फोर सन्स। ऐसे ही रिलेटेड और भी पास्ट के सेंटेंसेस आप बनाएं और सीखें। क्या तुम्हारे पास 500 रुपए नहीं थे? अब ध्यान दीजिए यहाँ पर नहीं का यूज हो गया है, तो हम नॉट किस जगह लगाते हैं ध्यान देंगे। क्या तुम्हारे पास, तो हम यूज करेंगे सबसे पहले डिड का, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, तुम्हारे के लिए यू का यूज होगा। अब देखेंगे नहीं जब आया है तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे, तब हैव का यूज करेंगे। कभी भी इसी के साथ आपका नेगेटिव सेंटेंस आता है तो आप नॉट का यूज यहाँ पे करेंगे, याद रखेंगे। डिड यू नॉट हैव 500 रुपीस? 500 रुपीस, क्या आपके पास रुपए नहीं थे? क्या तुम्हारे पास 500 रुपए नहीं थे? डिड यू नॉट हैव 500 रुपीस, ऐसे बोल देंगे। एक चीज और समझेंगे, अगर आपको इसको स्पीकिंग में यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ डिंट यू हैव भी डायरेक्ट बोल सकते हैं। जैसे हमने लिखा डिंट यू हैव, डिंट यू हैव 500 रुपीस। जब हम स्पीकिंग में यूज करेंगे इस सेंटेंस को तो हम डायरेक्ट डिंट यू हैव भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप इसी में समझ लें, क्या आपके पास एक अतिरिक्त पेन है, अगर आपको कहना हो कि आपके पास एक अतिरिक्त पेन नहीं है, एक्स्ट्रा पेन नहीं है, तो आप यहाँ पे डोंट यू हैव का यूज करके बोल सकते हैं। अगर आपको कहना है क्या उसके दो घर है, क्या उसके दो घर नहीं है, तो यहाँ पे डजंट ही हैव का यूज हो जाता है, याद रखें।
अब फ्रेंड्स इसी प्रकार आप अपने घर में बहुत सारे सेंटेंस फॉर्म करें, बनाए, सीखें और स्पीक आउट करें। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस को बोलेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। अगर आपको लगता है मेरी तरह कि सब पढ़ें सब बढ़ें तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि सब पढ़ें सब बढ़ें।